नंदीग्रह शहर में पालिका प्रशासन की इमारत अंधाधुंध प्रशासकीय व्यवस्था का प्रतीक बन गई है। हाल ही में मुद्दी घरों और शौचालयों की मांग को लेकर अमर नरोडे द्वारा किए गए अनशन से एक बार फिर पालिका प्रशासन की बेहतरीन काम चलाओ कार्य प्रणाली उजागर हुई है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस नगर पालिका के प्रांगण में शहर में मूत्री घरों और शौचालयों के निर्माण की मांग उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अमर नरोडे ने 4 सितंबर से बेमियादी अनशन छेड़ दिया था, जो गुरुवार 7 सितंबर को जाकर खत्म हुआ। इस दौरान एक बार फिर शहर भर में मूत्री घरों और शौचालयों की जरूरत का मुद्दा सामने आया है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमर नरोड़े, कल्पना पवार और पूर्व पार्षद सैयद अक्रम ने इस मुद्दे पर अपने प्रखर विचार व्यक्त करते हुए जनहितैषी समस्याओं को लेकर पालिका प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े किए है। एक दीड घंटापासून मला म्हणजे बाथरूमची समजा इथं जर आली तर त्या बाथरूममध्ये जाऊन अशी म्हणजे लघुशंका करण्यासाठी एवढी भयानक परिस्थिती आहे तिथं की एवढी घाण आहे की किळस येते तिथं। आणि त्या बाथरूममध्ये संडास बाथरूममध्ये म्हणजे बाथरूममध्ये अशा म्हणजे शेपटीचे आळे पडलेले आहे। तर हे मी तुम्हाला दाखवू शकतो। आणि माझा जे मूत्री घराचा जे विषय आहे या विषयावर मी जे आंदोलन करत आहोत ते लवकरात लवकर हे करून देण्यात यावा। आवश्यक असलेल्या अशा मुद्द्यावर त्यांनी अजूनपर्यंत लक्ष घातलेलं नाही आहे। आणि जर आंदोलन केले उपोषण केले तर त्यांचं एकच असते केसेस लावा आणि मोकळे करा, यांना चूप बसवा। रिक्षा चौकामध्ये जुना जे मूत्रीघर होतं ते कुठं गेलेलं आहे? मोतीनगरमध्ये मूत्रीघर बांधून ठेवलेलं आहे, त्याची कधीच स्वच्छता होत नाही। मोतीनगरमध्ये बाजूला 2 मूत्रीघर बांधलेले आहे, त्याची स्वच्छता होत नाही, त्याची देखरेख होत नाही। त्यानंतर पुसत पुलवर दोन्हीकडून 2 शौचालय बांधलेले आहे, मूत्रीघर बांधलेले आहे, त्याची पण काही स्वच्छता नाही, काही देखरेख नाही। जे अवेलेबल आहे कमीत कमी ते तरी स्वच्छ करून द्यायला पाहिजे असं मला वाटते। जो स्वच्छतागृह थे जहां पर मार्केट के लिए हमारी मां बहने आया करती थी और जरूरत के वक्त में उसका इस्तेमाल करती, आज क्या हुआ? कुछ लोगों ने उस स्वच्छता गृह पे शौचालय पे अतिक्रमण किए। हो सकता है उसमें नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों का भी हाथ हो, लेकिन हमारी ये मांग रही है कि आज नगर पालिका क से व पर आई है, यानी प्रमोशन हुआ है, क्षेत्र पर बढ़ा है, तो उस हिसाब से शौचालय बढ़ने चाहिए, स्वच्छता गृह बढ़ने चाहिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बढ़े हैं, मार्केट बढ़ा है, मॉल बढ़े हैं, लेकिन स्वच्छता गृह शौचालय कहीं भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस दौरान पूर्व पार्षद केतन रत्न पारखी ने शहर से नदारद मुद्री घरों और शौचालयों के मुद्दे पर पालक मंत्री संजय राठौड़ से लेकर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों सहित अपने स्वार्थ हितों के लिए बाजार लाइन के मूत्री घर को बेच खाने वाले शौचालयों तथा मूत्री घरों को धाराशाही कर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े करने वाले शहर के कथित वरिष्ठ नेताओं और व्यवसायियों को आड़े हाथों लिया। नगर परिषद एवढी निगरगट्ट झालेली आहे आणि त्यांच्यावर जो वरचा हात आहे मंत्री महोदयांचा, ते स्वतःला विकास पुरुष म्हणून घेतात। काही दिवसाआधी रक्षाबंधनच्या दिवशी त्यांनी 500 भगिनींकडून राख्या बांधून घेतल्या आणि त्यांनी एक स्टेटमेंट दिलं होतं की महिलांची रक्षा करणार। हे कोणती रक्षा आहे महिलांची? अरे तुम्ही स्वतःला विकास पुरुष म्हणून घेता। दिग्रस शहरातनी आज कित्येक महिला भगिनी खेडे विभागातून येतात, व्यापार करण्याकरिता येतात, कामधंदे करण्याकरिता येतात, तहसील करिता येतात। त्या महिला भगिनींना आणि पुरुषांना सुद्धा उघड्यावर लघुशंकेकरिता जाण्याकरिता ही खूप मोठी शोकांतिका आहे। एकीकडे आपण कोट्यवधी रुपयाचा निधी आणतो अशी आपली बढाया करतात आणि एकीकडे माता भगिनी या उघड्यावर बसून आहेत, खूप खूप मोठी शोकांतिका आहे। आणि याआधी सुद्धा कमांड गेट उतारीकरिता आम्ही उपोषण केले होते, ही उतारी काही दिवस सुरू राहिली, परंतु एका धनदानग्या बँकेसाठी ही उतारी बंद करण्यात आली। आणि याआधी सुद्धा कच्ची चौक नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौक येथे एक उतारी होती, ती उतारी गेली कुठे आणि कोणी विकून खाल्ली? हा सुद्धा माझा नगर परिषदेला एक सवाल आहे।
बहरहाल शहर में पर्याप्त मूत्री घरों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अमर नरोड़े द्वारा शुरू किया गया अनशन बीते गुरुवार को पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री संजय देशमुख, पूर्व उप नगराध्यक्ष अजिंक्य मात्रे, शिवसैनिक राहुल देशपांडे की उपस्थिति में और पालिका के नगर अभियंता सोमनाथ सदगर और कार्यालय निरीक्षक योगेश पवार द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के बाद समाप्त तो हुआ, लेकिन एक अहम सवाल अब भी बरकरार है। वो ये है कि शहर के प्रमुख स्थानों पर शौचालयों और मूत्री घरों की कमी के बदनुमा दाग को मिटाने के लिए क्या पालिका प्रशासन अपनी बेशर्मी को छोड़कर वाकई हरकत में आएगा या फिर हमेशा की तरह लापरवाही की चद्दर तान कर सो जाएगा। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।